इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए श्याम सिंह यादव बसपा सांसद मौजूद हैं। सर, कार्यकारी अध्यक्ष आपको बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं, क्या यादव वोट में सेंधमारी है? चूंकि ये लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से ही बनाया जाता था, लेकिन इस बार आपको चुना गया है। नहीं, गुजरात में द्वारका में ये बहुत दिनों से ये तय थी, 11 सितंबर की मीटिंग, जहां तमाम देश के हर कोने से ऑल इंडिया यादव महासभा के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग वहां आए और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुना। जैसा आपने कहा कि जहां तक यह है कि पहले समाजवादी पार्टी के लोगों को बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है, तथ्य से परे है। हमारी ये ऑल इंडिया यादव महासभा गैर राजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये बात संभव हो सकता है कि कभी वक्त पर कुछ समय के लिए एक पार्टी विशेष के लोगों का उसमें डोमिनेंस हो, मेजॉरिटी हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी का संगठन है, ये सभी लोगों का संगठन है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक वोट में सेंधमारी का सवाल है कि मैं उसका वर्किंग प्रेसिडेंट होके ये आपको ऐलान करता हूँ और अपने यादव भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, और यादव भाइयों को नहीं, समाज के सभी तबकों को बताना चाहता हूँ कि इस पद पर रहकर जो भी मुझे उनकी बेहतरी का, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर करने का, उनको जहाँ जहाँ उनको सम्मान नहीं है, जहाँ जहाँ उनको हक मिलना चाहिए, उनके हकदारी के लिए लड़ता रहूँगा। और किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो मेरी ही पार्टी क्यों न हो, एक भी वोट इन्फ्लुएंस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया यादव महासभा का पदाधिकारी के रूप में मैं मात्र उसके पदाधिकारी के रूप में काम करूँगा। लेकिन इस बार अलग, चूंकि यादव महासभा का आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन देखा जाता है कि अगर अभी हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों को ले ले तो यादव वोट जो है हमेशा अखिलेश यादव की तरफ रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। ऐसे में अगर आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका असर 2024 में देखने को मिल सकता है चुनाव के नतीजों पर भी? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर भी कह रहा हूं कि इससे और चुनाव से मतलब दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। तो कार्यकारी अध्यक्ष होने का मतलब है हम अपने एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, न कि हम किसी पार्टी के हैं। हर पार्टी अलग अलग जाति के, जाति समूह को, अलग अलग धर्म समूह को अपने ढंग से अपनी तरफ खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश करती है, और जो करती रहेगी उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है वक्त के साथ। कभी एक जाति किसी से ज़्यादा जुड़ी है और अगर इसका मतलब यह है कि उसने ज़्यादा कोशिश की, अगर दूसरा कोशिश कर सकता है राजनीतिक तौर पर तो शायद उससे भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे कभी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे इस पद पर चुने जाने का राजनीति से कोई संबंध है नहीं। इससे हटकर एक सवाल सर, कि लगातार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में दूरियां देखने को मिली है, लेकिन आज चाचा के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि विधानसभा में सबसे आगे वाली सीट जो है वो शिवपाल यादव को मिले। देखिए, ये हर पार्टी में होता रहता है, हर पार्टी में तरह तरह के इक्वेशंस, तरह तरह के फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हर पार्टी में दो इंडिविजुअल के रूप में, दो ग्रुप के बीच में या तमाम ग्रुपों के बीच में एक पारस्परिक मेलजोल भी होता है और पारस्परिक तनाव भी होता है। वो कभी एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी एक दूसरे के विरोध में होते हैं, और एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। वो पार्टी में क्या, वो हर परिवार में भी होता है, और वही यहाँ भी हो रहा है, और वही सब पार्टियों में होता रहता है। आप देखिए, अभी बीजेपी में भी देखिए, किन्हीं दो के बीच में, अब मैं यहाँ कम समय में नाम नहीं लेना चाहता, तो देखिए किसके दो दो के बीच में कभी मेल भी रहता है, कभी तनाव भी रहता है, कभी दूरी भी हो जाती है, कभी वो पार्टी भी छोड़ करके अलग चले जाते हैं। तो ये सब पार्टी में ऐसे होता रहता है, और ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा होता रहेगा,
ये स्वाभाविक है। एक और आखिरी सवाल कि कल ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट का फैसला आया, हिंदुओं के पक्ष में आया, मुस्लिमों की याचिका को खारिज कर दिया गया, ऐसे में मुस्लिम पक्ष में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ओवैसी का बयान निकलकर सामने आया, वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की तरह जो है ये जाता हुआ दिख रहा है ज्ञानवापी मामला। यहाँ पर हम ओवैसी साहब के बयान पर कमेंट न करते हुए केवल ये कहेंगे कि 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट 1991 पास हुआ है। उस समय बाबरी मस्जिद का मामला डिस्प्यूटेड था, उसको उसमें अपवाद स्वरूप केवल माना गया है। और उसके अलावा हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं इस तरह के, वो सब उससे कवर होते हैं। उस एक्ट का मतलब यह है कि उसको छेड़ा किसी भी पूजा स्थल को इस बात से नहीं छेड़ा जाना चाहिए, इस बात के लिए कि वो पहले हिंदुओं का था, वो पहले मुसलमानों का था, अगर छेड़ेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। तो पहले हमने इक्का दुक्का जगह, आपने ये भी देखा होगा कि एक वर्ग क्लेम करता है कि ये खुदाई करके ये मेरा था, फिर उसके और नीचे अगर खुदाई करें तो बौद्ध भी लोग आ गए, उसके भी निशान मिलेंगे। तो आप कहाँ तक जाएंगे, उसके और नीचे खुदाई करेंगे तो कोई और हिंदुस्तान का जो सेक्ट कभी रहा होगा शासन में सत्ता में वो क्लेम करेगा। तो इस तरह से करना वो आग लगाना है देश की शांति व्यवस्था को, देश के भाईचारे को। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरह से देश में आग नहीं लगाना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक देश के दो धर्मों में क्या, सभी धर्मों में, सभी जात के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों में जब तक भाईचारा नहीं होगा, जब तक अमन चैन नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और देश के हित में इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए। और अभी तो ज्ञानवापी केस को लेकर के जिला जज बनारस ने दिया है अपना एक फैसला दिया है, दिस इज नॉट द फाइनल जजमेंट, दिस इज द मनली कि उसको सुना जा सकता है। इसके आगे अभी बहुत एवेन्यूज, लीगल एवेन्यूज खुले हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी फाइनली क्या होता है, ऊंट किस करवट पर बैठेगा, ये हम सभी को बाद में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।